जयराम ठाकुर ने बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। गरीब, युवा, नारी उत्थान से लेकर करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। यह बजट देश के युवाओं के हौसलों को उड़ान देगा। नेता प्रतिपक्ष ने आपदा से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए बजट देने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। गवर्नमेंट देख प्रस्तुत किया गया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह बजट सभी वर्गों का हित रखने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है और इसमें खास तौर से जिस बात को मैं कह सकता हूं कि यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करके जो है वो ज्यादा मदद करने का रास्ता निकाला गया है। और जिस तरह से 500 कंपनीज में 1 करोड़ से भी ज्यादा यूथ को इंटर्नशिप और इसमें 5,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा था कि नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कराना, ये हमारी जिम्मेवारी भी है और इसमें बहुत बेहतर ढंग से हमने काम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस बार के इस बजट में एक और चीज जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी ने की थी कि हम 3 करोड़ गरीब लोगों के लिए घर देंगे, वो भी एक शुरुआत इस बजट के माध्यम से हुई है। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं एक चीज़ और जरूर मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट में एक और विशेषता विशेष तौर से है जो गरीब कल्याण के लिए जो योजना चलाई गई थी, जो कोविड के दौर में चलाई गई थी, कोई भूखा ना रहे, उस दृष्टि से उस योजना को जारी किया गया है। और उस तरह से ये भी एक बहुत बड़ी बात उस बजट के प्रावधान में हम देख रहे हैं। और मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ था पिछली बार बरसात के दौरान, उसमें हमेशा कांग्रेस के लोग शोर डालते रहे कि हमें कुछ नहीं मिला, यही शोर डालते रहे। अब की बार विशेष तौर से इस बजट में जिक्र हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए केंद्र से अलग अलग मदों में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में मदद मिलेगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश को उस तरह से मदद मिलेगी ताकि गरीब लोगों के लिए और उसके साथ साथ में दूसरे जितने भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि एक और प्रोविजन उसमें देखा मैंने कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो पर्टिकुलरली जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो जिसमें 50 साल तक वो लोन वापस करना पड़ता है और बिना इंटरेस्ट के करना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी राशि रखी गई है। इस राशि में से इसका आवंटन प्रदेशों को जब होता है तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के हिस्से में भी बहुत कुछ उसमें आएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बड़े बजट का प्रावधान किया गया है, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का। इससे हमको उम्मीद लगती है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए जहां रेल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, हम सब के लिए रेल लाइनें भी आगे बढ़ेगी और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा पूरे देश भर में, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी